उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा शुरू होने से पहले एक बार फिर नियमों में फेरबदल किया गया है। अगर आप इस बार केदारनाथ समेत चार धाम की यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। बात अगर केदारनाथ धाम की करें तो इस लोकप्रिय धाम की यात्रा में प्रशासन की ओर से नए नियम लागू किए गए हैं। इस बार केदारनाथ पैदल मार्ग पर चलने वाले घोड़े खच्चरों की संख्या पहले से ही निर्धारित की गई है। पैदल मार्ग पर इस बार मात्र 5000 घोड़े खच्चर ही संचालित किए जाएंगे और ये 5000 घोड़े खच्चर रुद्रप्रयाग जनपद के स्थानीय लोगों के ही होंगे और यात्रियों को धाम तक ले जाने का जिम्मा रुद्रप्रयाग के लोगों का ही होगा। यदि नियम का उल्लंघन कर बाहर से घोड़े खच्चर आते हैं तो उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दरअसल केदारनाथ पैदल जाने वाले यात्रियों को घोड़े खच्चरों के कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्यादा तादाद में घोड़े खच्चर होने से पैदल मार्ग पर गंदगी हो जाती है और यात्रियों के पैर फिसलने से वो हादसे का शिकार हो जाते हैं। इसी के मद्देनजर प्रशासन की ओर से इस बार केदारनाथ धाम को लेकर ये फैसला लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। केदारनाथ धाम की यात्रा में हमने देखा था कि अधिक घोड़े खच्चरों की संख्या के कारण कभी कभी ट्रैक रोड पे कंजेशन भी हो जाता है और हमारी जो व्यवस्था है जैसे साफ़ सफाई की, गर्म पानी की आदि को भी सफ़र करना पड़ता है। तो हमने ये डिसाइड किया और इसमें हमने शासन से दिशा निर्देश भी मांगे कि हम एक कैरिंग कैपेसिटी जो ट्रैक रूट की है उसके अनुसार ही घोड़े खच्चरों का रजिस्ट्रेशन करें और जो घोड़े खच्चर उस नंबर के अनुसार ही रजिस्टर होंगे, उनका मेडिकल चेकअप होगा और अगर अन्य घोड़े खच्चर अन्य जनपदों से या अन्य जगहों से आते हैं तो उनको या तो रोस्टर प्रणाली से चलाया जाएगा या फिर उनको अन्य रूट्स पर डाइवर्ट किया